नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ श्रमा प्रवीण। जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज एक नए साल की शुरुआत है। तो आप सभी को मेरी और आर भारत की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद यही है कि ये साल बहुत ही बेहतर हो, आप लोगों के आप सभी के जीवन में खुशियों भरा ये साल हो। हमारी दुआ यही है कि ये साल सभी के लिए बेहद खास हो, कोरोना का हमारे देश और दुनिया से खात्मा हो जाए। लेकिन जैसा कि पता है कि कोरोना के नए वेरिएंट ने देश और दुनिया में दस्तक दे दी है, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब सावधानियां बरतें, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। हमारा यानी आर भारत टीवी चैनल की तरफ से मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि नए साल का सेलिब्रेशन आप करें, लेकिन अपने घर अपने परिवार के साथ ही करें, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके और दूसरा भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में उपस्थित हूं और आज हमारे नगेंद्र झा महिला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र जी पूरे देशवासियों को नए वर्ष के शुभकामनाएं किस तरह से दे रहे हैं, मैं सीधे आप लोग तक इनका संदेश आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आर भारत टीवी चैनल से आए आप रोहतास के प्रतिनिधि अक्षय बच्चन जी, आपको नव वर्ष पर सर्वप्रथम आपको असीम शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप उत्तरोत्तर हर क्षेत्रों में, जीवन के हर क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहें। इसके बाद नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं महाविद्यालय परिवार की तरफ से छात्र छात्राओं, अभिभावकों और समाज के सभी लोगों के मंगलमय भविष्य के लिए असीम हमारा शुभकामना है। राष्ट्र नित्य उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, समाज बढ़े, गांव परिवार सभी लोगों का चतुर्दिक विकास हो, यही हमारी नव वर्ष पर असीम शुभकामना है।